There's no financial crisis in India, Union Minister Prakash Javedkar said, adding that the central government was taking all necessary steps to strengthen the economy. To make the economy stronger, the government has taken all measures, and he wanted to say that the fundamentals of the country, of the economy, are strong. Prakash Javedkar also stated that we are not in any crisis. Some reactions from non-banking financial companies are there, but we are addressing all the issues, he told a press conference at his residence. Reacting to Congress attack on the government for upcoming Howdy Modi events in the US despite an economic slowdown, Mr. Javedkar said that Congress would never get such an opportunity. Well, the smart city issues will be discussed, and we will put India's leadership position and the sustained efforts in that direction. अभी आज हमारे दिल्ली की बैठकें चल रही है, 10 जिलों की बैठकें पूरी हुई है, 10-11 जिलों की बैठकें पूरी हुई है. अभी शाम तक सभी जिलों के कार्यकर्ताओं से हम संवाद कर रहे हैं और संवाद करके नई तैयारी भी कर रहे हैं, और उसी के लिए बैठक थी. आज आपको सबको तकलीफ दिया, कोई सवाल है इसमें तो पूछ ही सकते हैं. ऑड इवन के ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो मैंने बताया. देखो, पहले तो प्रधानमंत्री जी का भाषण आप अगर ठीक समझोगे तो उन्होंने बहुत साफ किया है, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक. सिंगल यूज प्लास्टिक है वो उपयोग ना करें, ये एक तरह से जन आंदोलन है. जहां तक उसके क्लैरिफिकेशन और एडवाइजरीज है वो एनवायरमेंट मंत्रालय बार बार देती है, लेकिन अपने देश का प्रॉब्लम यह है कि एक रिसाइकलेबल जो प्लास्टिक है वो भी इकट्ठा नहीं होता और वो रिसाइकलिंग के लिए नहीं जाता. तो 2 तारीख से जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सभी 10 करोड़ जनता उसमें सहभागी हो और गांव गांव में सभी कचरा पूरी तरह से इकट्ठा करे, प्लास्टिक का कचरा कहीं ना बिखरा पड़े, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन है स्वच्छ भारत के निर्माण में और वेस्ट मैनेजमेंट में. ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा. सर, आप लगातार जिलों से मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली से लगातार उनसे ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्या सर ये भी बात सामने है कि आप उनसे नाखुशी जताइए कि आपका जो काम नहीं, नगर निगम में वो ठीक नहीं? ये गलत है, मैं सबसे खुशी इजहार करता. ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कोर्ट बार बार पूछ रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि आप देशद्रोही नारों के खिलाफ जो मुकदमा है उसकी परमिशन दे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री है कि जो देशद्रोही नारों का समर्थन करते हैं, यही कहना पड़ेगा. क्या नारे लगे जेएनयू में? देश के टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जंग चलेगी जंग चलेगी, भारत की बर्बादी, भारत के बर्बादी तक. एक अफजल कितने घरों में, तो हर घर में अफजल पैदा होंगे, और अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, ऐसे नारों का अरविंद केजरीवाल समर्थन करता है, ये अब साफ हो गया. क्योंकि अगर समर्थन नहीं करता तो केस को परमिशन देता, लेकिन उन्होंने बार बार कोर्ट के कहने पर भी केस को परमिशन इसलिए नहीं दी है कि मन से वो इन घोषणाओं का समर्थन करता है, यही उसका सबूत है. और इसलिए पूरे दिल्ली में जनता में इसका बहुत आक्रोश है. कौन उसमें दोषी है ये तय करना कोर्ट का काम है, लेकिन कोर्ट में केस जाने ही नहीं देना ये मुख्यमंत्री का पाप है, और ये सबूत है कि वो देशद्रोही नारों का पूरा समर्थन करते हैं, यही आज साबित हो गया. उनका जो 2 मुख से बोलते थे वो आज पर्दाफाश हो गया उसका, और इसलिए पूरे दिल्ली से आक्रोश है और हम